11 अगस्त 1975 द डेट ऑफ हियरिंग वॉज फिक्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. आई नो ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट, आई विल कवर इट. घड़ी पर नजर है, 11 अगस्त 1975, इट्स अ लैंडमार्क डेट फिक्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू हियर इंदिरा गांधीज मैटर. तब तक एडवाइस मिल गई सीनियर काउंसल्स की, लॉयर्स की, मैडम तुमसे चांस थोड़ा कम ही आए थे. इंदिरा गांधी नर्वस हो. 7 अगस्त को 39th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रेजेंटेड इन लोकसभा एंड पास्ट. 8 अगस्त को इट वॉज प्रेजेंटेड इन राज्यसभा एंड पास्ट. 9 अगस्त को इट वॉज प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड असेंट गिवन. एंड 10 अगस्त को इट वॉज पब्लिश्ड इन द नोटिफिकेशन ऑफ द गजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट द कोर्ट डज नॉट हैव द पावर टू जुडिशियल रिव्यू द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. लो, सुप्रीम कोर्ट के विंग्स ही काम. 39th अमेंडमेंट, आई एम गिविंग यू दिस लैंडमार्क अमेंडमेंट, एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. क्या लगता है आपको, हमारे ऑनरेबल जजेस जो यहां बैठे हैं, ये क्या पार्लियामेंट से डरने वाले हैं? ये क्या टूथलेस टाइगर है? ये खूबी है हमारे इस जुडिशियल पिलर की, ये खूबी है हमारे लॉ एंड जुडिशरी की. दोज लॉयर्स, दोज जजेस हु स्विम अगेंस्ट द टाइड ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. 39th अमेंडमेंट वॉज स्ट्रक डाउन. And still Indira Gandhi's election was declared null and void and she had to lose power and that consequentially came into emergency into India. Supreme Court has strike down kiya ye sab resolutions, law, sab ultra virus to constitution. 39th amendment was struck down. Bharat ka itihas badal gaya. इमरजेंसी लग गई 2.5 साल के लिए और इमरजेंसी के बाद जब इलेक्शन हुए तो इंदिरा गांधी लॉस्ट. लेकिन ड्यूरिंग इमरजेंसी एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1976. सारा कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लेवर ही बदल दिया बिकॉज ऑपोजिशन ही नहीं था. इमरजेंसी में वन साइडेड रूल था. प्रीएम्बल में 2 शब्द जोड़ दिए, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. और तमाम तरह के और अमेंडमेंट्स कर डाले. मतलब इट इज सो मच मेटामॉर्फोसिस, इट्स कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन वामन हरि का जजमेंट आया 1981 में और उन्होंने होल्ड किया कि जो केशवानंद की 24 अप्रैल 1973 की कट ऑफ डेट है उसके पहले जो कोई लॉ 9th शेड्यूल में चला गया वो चला गया. उसके बाद एक भी लॉ अगर 9th शेड्यूल में आया दैट विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. टाइम ऑलमोस्ट खत्म है, एक दो अमेंडमेंट जल्दी बताता हूं. 99th अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का. फिर 101वां 2017 में जो GST ले आया. 102वां अमेंडमेंट 2018 में जिसने नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास बनाया. 2018 में आया 10% ऑफ रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. और अभी हाल में 105वां अमेंडमेंट जो लास्ट अमेंडमेंट आज तक का है
2021 में आया, वो भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया 11 मई 2021 को, उसको सुपरसीड करने के लिए पार्लियामेंट ने ये अमेंडमेंट लाया 105वां। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओनली सेंटर हैज़ द पावर टू सिलेक्ट हु बिलोंग्स टू ओबीसी। सेंटर ने कहा भैया हम ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, ये स्टेट्स जाने और उनके नागरिक जाने। तो 105th अमेंडमेंट आया जहां पर पार्लियामेंट ने कहा द स्टेट्स हैव द पावर टू कैटेगराइज हु बिलोंग टू ओबीसी टू देयर पॉपुलेशन और नॉट। तो ये 105वां एवोल्यूशन तक हुआ है। आगे आने वाले वर्षों में जब आपके साथ फिर मुलाकात होगी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर चर्चा करने का मौका मिलेगा, तब तक शायद और एवोल्यूशन हो चुका होगा, तब तक शायद थोड़ा समय और होगा। इस आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। थैंक यू सो मच। जय हिंद।